हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे, और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ हर कदम पर तरक्की पाएं। यही दुआ है मेरी भगवान से। और फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आलू, आज संडे है तो आज मैंने आलू वाले पराठे बनाऊंगी, तो जिसके लिए मैंने आलू उबाल दिए हैं। अब आटा गूंदूंगी और उससे बाद पराठा बनाऊंगी। संडे होने की वजह से आज थोड़े लेट ही उठे हैं। कपड़े भी थोड़े से मैंने मशीन में चला रखे हैं, मतलब उसको धुल तो गए, वो पानी में निकालने हैं और सुखाने हैं। और मौसम आजकल अब हल्की हल्की ठंड होने लगी है, मतलब इतनी गर्मी नहीं रही है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि ये सुबह सुबह सज धज जाती है, पर सबसे पहले बात है कि हम सज धज देते हैं ना, इस अच्छी फील आती है। हम जैसे मुंह को वॉश करेंगे, अपने आप को मतलब अच्छा फील होता है। अपने आप को जैसे हम वीडियो में देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो अच्छा फील होता है एंड अच्छी सी फीलिंग आती है। इसलिए अपने आप को पहले फेस को मैंने दिया चमका थोड़ा। और अब दिन की शुरुआत करते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें पहले भून कर अजवाइन, मैंने आलू को तोड़ के ऐसे बना लिया था। अब मैं डाल दूंगी इसमें नमक, मिर्ची रेड वाली में थोड़ी ही डालूंगी क्योंकि राजीव मिर्ची नहीं खाता, तो मैं कम ही डालूंगी। मैं जीरा गरम कर रही हूँ, हल्का सा उसको भूनूंगी, और ये भी डालूंगी और चाट मसाला डालूंगी इसमें। मतलब इसकी खुशबू अच्छी आती है, जैसे हम इसको भूनते हैं ना, तो अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये डाल दिया जीरा, अब डाल दूंगी मैं इसमें चाट मसाला। अजवाइन मैंने पहले ही आटे में गूंदी हुई भून कर, और अच्छी खुशबू आती है जीरे की, इससे स्वादिष्ट बनती है। ये मैंने लगा दिया आटे का डो, और ये मेरे जो आलू वाला मैं भरवा अंदर डालूंगी, ये मसाला मेरा मतलब सब कुछ इसमें है। तो ये मैं ये है मेरे आलू का जो मैंने तैयार कर दिया है मसाले डालकर, और ये है आटे का डो। और अब मैं शुरू करती हूँ परांठा बनाना आपके सामने, देखना अभी इतना यम्मी और टेस्टी पराठा बनाऊंगी। पर एक बात है, इसमें जो हम चाट मसाला और जीरा भून के डालते ना, इसमें अलग ही टेस्ट आता है इसके साथ। तो आप ऐसे ही बनाएं और खा के देखें, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मतलब बार बार खाने का मन होगा आपका ऐसे। अगर आप जीरे को भून कर डालेंगे, और हो सके तो पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने साबुत ही डाला है और चाट मसाला भी डाला। चलो अब शुरू करती हूँ मैं पराठा बनाना। सबसे पहले लेंगे हम ऐसे आटा, और इसकी ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी सी गोलियां बनानी यूं करके ऐसे। मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे बनाऊंगी, पर नहीं, मैं मुझे बड़े बड़े ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि लेट हो रही है काम के लिए। जहाँ हम दो परौंठे खाएंगे वहाँ एक ही परौंठा खाया जाएगा। और सबसे पहले ऐसे किया, और इसको हम ऐसे करेंगे थोड़ा सा, और
फिर ऐसे यूं हम स्टेपिंग भर देंगे इसकी यूं, और ऐसे और दोबारा से ऐसे करेंगे हम, और यूं जो बुरा वाला आटा होता है ना, जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, ऐसे करेंगे। और दोबारा से ऐसे करके ऐसे हमारा परांठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और यम्मी और टेस्टी बनेगा। ये हमारा देखो गोल गोल मैंने परांठा बना दिया, कर दिया तैयार। बस ऐसे ही हम हर बार ऐसे ही बनाते चलेंगे। और आटे को थोड़ा सख्त बनाएं, इससे अगर हम आप पतला आटा कर देंगे, ढीला कर देंगे आटे को, फिर आपका परांठा फटेगा। यही तरीका होता है कि हम थोड़ा इसको सख्त रखें आटे को, जब हम आटा गूंथते हैं तो उसको सख्त रखें, जिससे हमारा इसमें अच्छा सा पराठा बनेगा। ये देखिए दूसरे वाला, राजीव खा रहा है परांठा, और इसने ना छोटी सी प्लेट ले ली, उसमें नहीं खाई बड़ी वाली प्लेट में, छोटी सी प्लेट ले ली, इसमें खा रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ कि सॉस ले ले, सॉस में नहीं लिया इसने, बस ये दूध वाली चाय इसने ही बनाई है, बस दूध लिया और चीनी पत्ती डाली। और बस अब हम नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए।